अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में आमिर रिज़वी हाजिर है एक नए प्रोग्राम के साथ। हेल्थ टॉक में आप हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम हेल्थ के बारे में आपसे बातचीत करते हैं, हमसे गुफ्तगू होती है ना। और ये आप प्रोग्राम जो है वो अजर रिसालत के वेब पेज पे और शिया मल्टी मीडिया टीम के वेब पेज पे आप एवरी संडे आप 4 बजे देखते हैंगे। हम मुख्तलिफ मौजूआत पे गुफ्तगू करते हैं, आपके हेल्थ के बारे में मुख्तलिफ मौजूआत पे बातचीत करते हैं आपसे। और नाज़रीन, मगर जो आपको हम सलाह देते हैं, जो मशवरे देते हैं, जो आपको हम बातें बताते हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने इस बात को जो है वो कम्प्लीटली आपने जो है इसी के ऊपर आपने अमल करना है। क्योंकि हर आदमी जो है वो उसके साथ जो मसाइल होते हैं उनकी हिस्ट्री डिफरेंट होती है, उनके साथ और मसले और भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके साथ उसको ब्लड प्रेशर भी है और दूसरी और दवाइयों का भी मुख्तलिफ जो है वो रिएक्शन हो सकता है। तो इस वजह से अगर आप समझते हैं कि आपको इसमें बेहतरी महसूस नहीं हो रही तो आपसे गुजारिश है कि अपने डॉक्टर से जरूर रुजू किया करें, अपने कंसल्टेंट अपने स्पेशलिस्ट से जरूर बातचीत किया करें। और इस तरीके से हम ये प्रोग्राम करते हैं, साइन पोस्ट करते हैं, बताते हैं आपको कि मुख्तलिफ जो है वो बीमारियों में किस तरीके से उनसे निपटना चाहिए, किस तरीके से उनकी एहतियात करनी चाहिए। तो जैसे हमने पिछला प्रोग्राम आपके खुद में पेश किया था ब्लड प्रेशर के ऊपर, आपने बहुत पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो सामने आप नंबर देख रहे हैं इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे बातचीत कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये प्रोग्राम आप अजर रिसालत और शिया मल्टी मीडिया पेज पर एवरी संडे देखते हैं। तो आज जो मैंने ये जो टॉपिक रखा है वो है घर घर की कहानी है। ये हर घर का प्रॉब्लम है। कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त में आपने ज़रूर एब्डोमिनल पेन जिसको हम कहते हैं वो आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट का दर्द। अच्छा, पेट का दर्द एक बहुत बड़ी टॉपिक है और उसको समोना एक घंटे के अंदर इतना आसान काम नहीं है। मगर हमारे पास माशाल्लाह डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत भी करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और पेट के दर्द के बारे में बातचीत करेंगे। पेट का दर्द जो है वो क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो पेट में बहुत सारे जो है ऑर्गन्स हैंगे जो प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो और पेट का दर्द भी जो है वो मुख्तलिफ नौइयत का हो सकता है। तो मैं सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ जनाब डॉक्टर हसन सादिक आबदी साहब को, कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो पेट का दर्द है वो कितना कॉमन है, और जैसे मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये तो घर घर की कहानी है, मगर ये है कि हमें कौन से पेट के दर्द को सीरियस लेना चाहिए और कौन से पेट के दर्द को जो है वो हमें कहना चाहिए कि जी ये बेहतर हो सकता है। अच्छा, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी डॉक्टर साहब कहा कि पेट का दर्द एक तो घर घर की कहानी है और एक घंटे में इसको ऐसा ही जैसे समुंदर में को कूजे में बंद करना, बेशक बेशक। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि जैसे कॉमन जो प्रॉब्लम होते हैं एब्डोमिनल पेन के या पेट के दर्द के, तो देखिए एक तो उम्र के हिसाब से भी देखा जाता है कि बच्चों में पेट का दर्द है, बड़ों में है, बुजुर्गों में है, तो उसके हिसाब से रिलेटिवली हमें देखना पड़ता है कि वो संजीदा नौइयत का है, जिसे हम कहते हैं कि कोई सीरियस कॉज तो नहीं है या कोई कॉमन जो जनरल एब्डोमिनल पेन जो वायरल नेचर का होता है वो सब है। अब डिपेंड करता है कि सिम्टम्स या पेशेंट्स क्या अलामत क्या बता रहे हैं, उसके हिसाब से इंसान और किस जगह पे पेट में दर्द, क्यों पेट बहुत बड़ी चीज है, अब उसके मुख्तलिफ सेक्शन करते हैं, अगर आप उसको 900 में डिवाइड कर लें तो फिर हर सेक्शन का अलग अलग वजह होती है। तो डिपेंड करता है अलामात किस जगह पे है और क्या क्या है, तो उसके बाद हर जगह की अपने जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग सिम्टम्स या कुछ संजीदा नौइयत के अलामात होती हैं। कि जैसे अगर आप कोई पेशेंट आ रहा है मिडिल एज और मोर देन 50 का और वो कहता है कि जी मुझे डायरिया कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट शुरू हो गया और लेफ्ट साइड पे उल्टे हाथ पे नीचे की साइड पे दर्द होता है जी, तो हम फिर वो देखते हैं कि खून आ रहा है टॉयलेट में या पखाने में, तो उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि ये रेड फ्लैग्स हैं।
तो उसकी ऑब्वियसली उसमें कैंसर भी हो सकता है, कोई और दूसरी संजीदा नोयत की बीमारियां भी हो सकती हैं, तो डिपेंड करता है जगह पे दर्द है और अलामत क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले मैं अगर हमारे नाज़रीन को आप ये बता दीजिए कि जो पेट में जो दर्द होता है उसकी इकसाम कैसी कितनी होती है। मिसाल बहुत सारे लोग होते हैं उनको इंटरमिटेंट पेन होता है, किसी को जो है वो डल एक होती है, तो अगर उसके ऊपर पेन की नौयत भी अगर आप बता दें कि कौन सी किस किस्म के जो है वो दर्द हो सकते हैं पेट में, एक क्रैम्पी पेन भी होता है बहुत सारा, तो वो उसके ऊपर अगर हम बात कर लें और उसके बाद फिर उससे आप रिलेटेड अगर ये बताइए कि कौन सी जो पेन है वो ज्यादा सीरियस नौयत के होते हैं, उसमें आपको अपने डॉक्टर को या हॉस्पिटल को या आपने एम्बुलेंस कॉल करनी जरूरी होती है। ठीक है। अच्छा, पेट में दर्द एक तो जैसे आपने कहा कि डल कांस्टेंट पेन हो गया, फिर या इंटरमिटेंट कॉलिकी जिसे हम कहते हैं कि उस टाइप का पेन हो गया, या फिर वो बाज़ूका तो पेशेंट कहते हैं कि मरोड़ उठ रहा है पेट में, मरोड़ की अलामत आ रही है। तो जो पेन कांस्टेंट हो, परसिस्टेंट हो, और एक तो वो संजीदा नोयत का हो सकता है और अगर वो सीवियर नेचर का है, दूसरा अगर पेशेंट्स को क्रैम्पी पेन हो रहा है और उसने टॉयलेट नहीं ओपन किया, वो मतलब एक सिंगल सिम्टम्स को हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मुख्तलिफ नेचर है वो अलामत के साथ क्या है, तो उसके हिसाब से फिर हम बता सकते हैं कि वो किस हद तक संजीदा है या नहीं है। ठीक ठीक है। तो नाज़रीन प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त हेल्थ टॉक, और हेल्थ टॉक के अंदर बातचीत हो रही है जनाब हेल्थ के बारे में, और हमने अभी डॉक्टर साहब से सवाल किया कि जनाब ये जो दर्द जो है वो कितनी नौयत के होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि जारी बात है बहुत सारे ऐसे दर्द भी होते हैं कि जो डल पेन होते हैं, मिसाल के तौर पर पेट के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ इकसाम के दर्द हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो के आप जो है वो दोहरे हो गए, पेट पेट पकड़ के आप जो है वो आपने कि इतना शदीद दर्द है और एकदम से अगर वो उठ रहा है और आप जो है बहुत शदीद दर्द है और आपको उसके साथ साथ उल्टियां भी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उल्टियां भी शुरू हो गई हैं, बहुत ज्यादा अनवेल महसूस कर रहे हैं कि ऐसा शदीद दर्द आपको जिंदगी में कभी नहीं हुआ था, तो ये जो है वो सीरियस नौयत का दर्द। ठीक है जी, तो ये तो आपने फौरी तौर पर या तो अस्पताल जाना है या फिर आपने डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि आपको जो है वो एक दर्द है जो आपको महीनों से चल रहा है जनाब, वो पेट में जो है वो हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है जनाब, तो वो एक और दर्द है जिसमें आप जो है वो अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इमरजेंसी नहीं होगी, मैं उसे इमरजेंसी तो नहीं कहूंगा, ठीक ना डॉक्टर साहब, अगर कोई ऐसी बात है कोई इसके अंदर ऐड करना तो आप जरूर कीजिएगा। और अगर आपका पेट दर्द आ रहा है जा रहा है, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वो किसी और अलामत के साथ रिलेटेड है, मिसाल के तौर पे अगर कब्ज है आपको, कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कहते हैं, अगर उससे अगर आपका दर्द रिलेटेड है तो लगता ऐसा ही है कि जी आपको, क्योंकि आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से आपको दर्द जो है वो हो रहा है, तो जब जारी बात है वो कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाएगी तो दर्द भी बेहतर हो जाना चाहिए। इसी तरीके से और दूसरे जितने भी दर्द होते हैं, मगर जो रेड फ्लैग जिसको डॉक्टर साहब ने कहा कि जो आपको फौरी तौर पे जो है इसके ऊपर काम करना है, वो ये कि अगर एकदम से आपके पेट में शदीद दर्द हो जो परसिस्टेंट हो और वो उसमें आराम आपको नहीं आ रहा और आप उस दर्द से दोहरे हो गए हैं, तो उसमें सर्जिकल कॉजेज भी आ जाते हैं, तो वो आपने लाजमी आपने डॉक्टर से रुजू करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे एक और सवाल ये करता हूँ कि अगर किसी को शदीद दर्द है, पहली बात तो ये कि आपने जैसे बताया कि हम चाहेंगे कि आप हमें बता दें कि पेट में कौन कौन से ऑर्गन मौजूद होते हैं जो दर्द कॉज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, कॉमनेस्ट जो ऑर्गन है जो हम जिसे आते कहते हैं जी, ये मैंने एक पिक्चर जो है डॉक्टर साहब को मैंने लगाई है, जो सबसे ज्यादा कॉमन दर्द है बच्चों से लेकर बड़ों तक का, वो आंतों का दर्द होता है जी। जनाब डॉक्टर साहब, मैं हमें कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम, अगर मैं चाहूंगा कि पिक्चर में तो सबसे टॉप पे जी जो सबसे टॉप में आपको नजर आ रहा है मेदा नजर आ रहा है, ठीक है, तो मेदा इसके पीछे पैंक्रियाज जिसे हम लबलबा कहते हैं वो होता है इसी के पीछे, तो जो अगर मिडिल में बिल्कुल ऊपर की साइड पे दर्द हो रहा है तो ये ज्यादातर स्टमक का या मेदे का या उसके पीछे लबलबे का दर्द आमतौर पे आपके सामने, और वो पेशेंट कहता है कि थोड़ा सा बैक में भी जा रहा है, उसके दर्द की एहसास उसको अपने अपर बैक में भी हो रहे हैं, ठीक है इसी के। लेकिन अगर एज अगर ज्यादा है, उम्र काफी ज्यादा है पेशेंट की और उसको इसी जगह पे दर्द है और मेदा और लबलबे का नहीं है, तो जो एन्यूरिज्म हम कहते हैं या आपका जो बड़ी वेसल्स है या खून की नाली है, बाज़ अवकात वो
फूल जाती है और हो सकता है कि उसकी लीक शुरू हो गया हो। तो ये उम्र के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर 50 से ऊपर में किसी को है तो वो महसूस करें कि भाई उसमें पल्सेशन या जिसे कहते हैं कि आपको फूलने की महसूस तो नहीं हो रही है। तो ये हो गया। आप सीधे हाथ पे आप ले लें तो जिगर मौजूद है, इसी तरह आंतों का एक हिस्सा है जो ऊपर की साइड पे अगर आप देखिए तो अब बड़ी आंत का एक हिस्सा है, तो जिगर का या गॉल ब्लैडर होता है, तो ये हिस्सा कॉमनेस्ट है। तो लिवर का आमतौर पे खुद तो दर्द नहीं होता है कि अनलेस के वो सेकेंडरी किसी वजह से कि जी उसको किसी को कैंसर हो गया या हेपेटाइटिस हो गया है तो उसकी वजह से होगा, लेकिन कॉमनेस्ट जो इस साइड पे होता है वो गॉल ब्लैडर का होता है जिसे पित्ते का दर्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों साइडों में थोड़ा सा इनके नीचे चले जाइए और लेफ्ट साइड पे स्प्लीन है ऊपर की साइड पे, लेकिन उसमें अगेन दर्द नहीं होता है अनलेस कि किसी को लिम्फोमा हो रहा है, लिक्यूमिया हो रहा है, कोई ऐसे सीरियस किस्म के है कि स्प्लीन फूलना शुरू हो गया है। दोनों साइडों पे जो होता है जो खासतौर पे बैक पे भी जाता है वो हम किडनी का पेन कहते हैं। किडनी का पेन बहुत कॉमनेस होता है लेकिन बहुत ही जैसे आपने शुरू में कहा कि बहुत सीवियर किस्म का पेन होता है और किसी जिसे कहते हैं किसी पल चैन नहीं आता है। आमतौर पे जो दर्द होते हैं अगर आप लेट जाएं तो आराम आ जाता है, लेकिन किडनी का दर्द उल्टा होता है, वो लेट होता है तो आप किडनी टहलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको इतना सीवियर पेन होता है, कम नहीं होता है। नीचे की साइड पे मजीद आप जाइए तो फिर वो आते हैं दोनों साइड पे, राइट साइड पे जो कॉमनेस आपको नजर आएगा कि अपेंडिक्स का पेन है, लेफ्ट साइड पे जो है वो आपको बड़ी आंत का दर्द है कि कॉन्स्टिपेशन का कॉमनेस्ट होता है, बीच में भी जो पेट का है उसमें भी ज्यादातर कॉमनेस्ट प्रॉब्लम ये कॉन्स्टिपेशन होगा का या वायरल वायरल डायरिया इस किस्म के आ जाते हैं। सबसे नीचे जो फिर मसाना आ जाता है जो बिल्कुल आपकी दोनों टांगों के दरमियान में जरा सा ऊपर अगर जाइए तो मसाने का दर्द है ना, जिसमें अगर पेशाब की तकलीफ हो रही है या किसी को पाकिस्तान इंडिया में अगर आप रह रहे हैं तो आपको स्टोन भी देखा जा सकता है कि वहाँ पे किडनी स्टोन तो नहीं बन रहा है। तो अगर खवातीन है तो उनमें ऑब्वियसली दोनों साइड पे जो ओवरीज होती हैं और बीच में उनका जो बच्चादानी जिसे कहते हैं यूट्रस है तो उसका भी दर्द हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों पे जिस जगह पे है उसमें आप करके भी देखते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, अलामात क्या हैं, उस हिसाब से फिर उसको हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो नाज़रीन प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं हेल्थ टॉक और हेल्थ टॉक में बातचीत कर रहे हैं जनाब, पेट में दर्द के बारे में बातचीत हो रही है जनाब। इसमें मुख्तलिफ जो ऑर्गन हैं हमारे, हमने डॉक्टर साहब से बात की कि कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो पेट में होते हैं जो कॉज कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब ने जो है हर ऑर्गन के बारे में जो है वो आपको बताया कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बहुत कॉमन एक चीज़ है, डॉक्टर साहब सेइंग है, लोग कहते हैं जी इसका जो है वो बड़े जिगर वाला आदमी है और बड़ा, असल में जिगर जो है वो लिवर लिवर होता है, जिगर जो है वो दिल नहीं होता, दिल है वो उसकी जगह जो है वो कहीं और है। और हम लोग जो है वो उर्फ आम के अंदर एक बात कहते हैं जी क्या इसका जिगर जो है वो, और जिगर जो है वो जिगर लिवर है और दिल जो है वो हार्ट है। तो अगर कोई भी होता है आप कहें आप बड़े दिल वाला है, बड़े जिगर वाला जो है थोड़ा सा बड़े जिगर वाला एक बीमारी हो सकती है जनाब। तो ये तो मैंने बात वैसे एक बात एक कर दी क्योंकि हमारे यहाँ काफी जो मिसनोमर्स हैं और कुछ लोग कुछ और समझ रहे होते हैं और असल में मेडिकल टर्म जो है वो कुछ और होती है। डॉक्टर साहब मैं सबसे पहले बात हम करूंगा कि उन लोगों को कि जिनको अगर कोई साइंस हो कि इनको कोई प्रॉब्लम है, कोई शदीद नौयत की प्रॉब्लम, मिसाल के तौर पे सबसे ज्यादा कॉमन जो लोगों को एंग्जाइटी होती है वो कैंसर के बारे में होती है, तो मैं चाहूंगा अगर पेट का दर्द का कैंसर से रिलेशनशिप थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या चीजें, रेड फ्लैग सिम्टम्स क्या हैं, वार्निंग साइंस क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है और कौन कौन सी चीजें जिसमें आपको घबराने की फिर भी जरूरत नहीं है मगर डॉक्टर से रुजू करना जो है वो ज्यादा जरूरी बनता है क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आपको हो कैंसर के हवाले से। चलो आवाज आ रही है जी, आप मेरा सवाल आप तक पहुंचा देना। जी जी पहुंच गया सॉरी मेरे नेट का प्रॉब्लम, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो बहरहाल जो आपने जैसे कहा कि पेट का दर्द जो संजीदा नौयत का होता है कि अगर किसी ने किसी आदमी ने कहा कि जी उसको पेट का दर्द शुरू हो गया है और उसकी चेंज इन बाउल हैबिट हो रही है कि यानी
पहले उसकी हमेशा रोजाना टॉयलेट जाने की हैबिट थी या हर दूसरे दिन थी, अब वो बहुत ज्यादा जाने लगा है, या नॉर्मल थी अब उसको कब्ज रहने लगा है, पेशाब टॉयलेट से खून आने लगा है कि जब मैं जाता हूँ तो खून आ रहा है, वजन गिर रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत रिफ्लेक्स सिम्टम्स होती हैं जो कि हम कहते हैं बाउल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये तो बाउल रिलेटेड बहुत ही कॉमननेस हैं। फिर जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर एक और रेड फ्लैग सिर्फ कैंसर का, तो ये हो गया कि जी हमने ये चीजें की कि वजन गिर रहा है, चेंज इन बाउल हैबिट हो गया। एक और रेड फ्लैग जो कि बहुत कॉमनेस मिस्टेक करते हैं हम लोगों के, बहुत कॉमन तौर पर इवन डॉक्टर्स भी हम लोग बाजूकात मिस कर जाते हैं, जैसे मैंने कहा था एन्यूरिज्म का पेन। एन्यूरिज्म का पेन अगर 50 साल से ऊपर कोई बैक पेन से प्रेजेंट कर रहा है, वो उसमें आमतौर पर पेट के दर्द का बहुत कम बताते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं कि बैक में दर्द हो रहा है, और बैक में दर्द है तो लेकिन जब आप महसूस करते हैं तो उसको पेन में ऊपर हिस्से में दर्द महसूस होगा हल्का हल्का मीठा मीठा, तो वो भी रेड फ्लैग्स हैं कि अगर किसी एल्डरली को अचानक बैक में अपर बैक पे शुरू हो गया है दर्द तो वो भी रेड फ्लैग्स हैं। अगर पेशाब में तकलीफ हो रही है और एकदम से उसको वजन गिरना शुरू हो गया है या खून आना शुरू हो गया है बगैर दर्द के, तो ये भी एक रेड फ्लैग सिम्टम्स कहलाता है जो कि आमतौर पे हम कहते हैं इसके रिलेटेड होता है, जो मसाने के कैंसर के मुताबिक होता है। किडनी के आमतौर पे पेन होता है, डल एक होता है आपको थोड़ा थोड़ा, आमतौर पे किडनी का जो कैंसर होता है बहुत ही साइलेंट पड़ा होता है, उसके सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, जब लेट आते हैं तब उसको हल्का हल्का दर्द, उसको पीछे की साइड पे पेट में दर्द महसूस होगा। फिर पित्तवा का रेड फ्लैग्स कैंसर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये कि एकदम से सीवियर पेन शुरू हो गया कोई, उसमें हम लोग कहते थे 5 F's, 5 F's से मुराद ये कि कोई मोटी औरत है, फेयर कलर है, 40s में है, तो वो अगर दर्द हो रहा है तो वो पित्ते का दर्द आमतौर पे होता है, बहरहाल वो सीरियस नहीं होता है। सीरियस आमतौर पे जो हमने कहा कि वजन का गिरना बहुत सीरियस है, खून आना शुरू हो जाना वो बहुत जरूरी है कि उसमें आप इन्वेस्टिगेट करें कि कोई सीरियस वजह तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो नाज़रीन, बातचीत हो रही है एब्डोमिनल पेन पे, ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त अजर रिसालत अशिया मल्टीमीडिया टीम के वेब पेज के ऊपर, और आप लोग बहुत पसंद करते हैं प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सवालात भी आपके आ रहे हैं मेरे पास और मैं उनके ऊपर भी डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे, मगर ये है कि जो रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं जिनको हम कहते हैं कि हो सकता है कि ये कैंसर के प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर, तो वो चीजें आपने लाजमी 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 उसके ऊपर नजर रखनी है, सिर्फ अपने अपने लिए ही नहीं बल्कि घर में अगर कोई और फैमिली में मेंबर है, खास तौर पे अगर अगर लोग जो आपके वालदैन हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनके अंदर आपने खास तौर पे नजर रखनी है कि अगर उनके साथ प्रॉब्लम रहे, जरूरी नहीं है कि अगर उनको पेट का दर्द ही हो, बहुत सारे ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें पेट का दर्द सबसे आखिर में शुरू होता है, और असल में जो है वो प्रॉब्लम्स क्या होती है, खाना पीना छोड़ देते हैं जनाब, उसके अलावा अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि जिसकी वजह से कोई और ऐसा मसला हो जाता है कि खाने पीने के अलावा जो है उनको स्टूल का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि जिसमें कहते हैं कि डायरिया का प्रॉब्लम हो गया, या उनको कॉन्स्टिपेशन हो गई जिसमें कहते हैं ऑल्ट्रेशन इन बाउल हैबिट्स, तो अगर इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए, उसके अलावा अगर किसी कोई और वजह हो कि जिसके अंदर उनका वजन जो है वो मुसलसल गिर रहा है बावजूद ये कि खाना पीना सही है उनका, उनको खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके बावजूद उनका वजन गिर रहा है, तो आप उनका पहली बात तो ये उनका वजन नोट करें। घर में मेरे ख्याल में हर एक को अपने वजन के बारे में पता होना चाहिए कि वजन मेरा कितना है, और इसी तरीके से हर महीने दो महीने पे अपना वजन जो है वो चेक करें। उसकी वजह ये है कि अगर अव्वल तो अगर आप मोटापे की तरफ जा रहे होंगे तो वो आपका बेहतर हो जाएगा, आप उस पर नजर रख सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपका वजन जो है वो गिर रहा है तो उसमें आपको पता चल सकता है वजन गिरने की वजह सिर्फ, जरूरी नहीं है कि खुदा ना खासा आपको कैंसर है या किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है डायबिटीज सबसे कॉमन कॉज है कि अगर किसी को जो है वो डायबिटीज हो गई है, डॉक्टर साहब भी बात करेंगे कि इस वक्त डायबिटीज अनडायग्नोज जो है वो बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनको अनडायग्नोज डायबिटीज है और उनको जो है खामोशी डायबिटीज हो गई है मगर उनको खुद को पता नहीं है,
तो ये भी एक साइन है कि आपको जो है वो, अगर आपका वजन गिर रहा है, खाना पीना आपका सही है। इसके अलावा थायराइड एक कंडीशन होती है जिसको एंडोक्राइन कंडीशन, हम इनको ओवर एक्टिव थायराइड कहते हैं। थायराइड दो किस्म का होता है, एक ओवर एक्टिव होता है, अंडर एक्टिव होता है। बहरहाल ये लंबी बहस है। तो ओवर एक्टिव थायराइड के अंदर भी आपको जो है ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपका वेट लॉस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको ब्लड आ रहा है स्टूल के अंदर, अगर आपके जो है वो ब्लैक स्टूल आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं टारी स्टूल, वो भी जो है वो साइन है कि खुदा ना खास्ता अंदर आंत में कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तो ये जो बिल्कुल चीजें हैं ये खास तौर पे आपने इसका खास तौर पे ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो ये बात तो मैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि एब्डोमिनल पेन एक इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है, जब डॉक्टर साहब ने कहा कि वो समुंदर को कूजे में बंद करने का, तो मगर ये कि इनशाला हमारी कोशिश ये है कि हम अपने वक्त मुकर्रा के अंदर जो है आपसे एब्डोमिनल पेन के ऊपर मुख्तलिफ बातें, कम से कम प्रोग्राम के एंड में आपको ये बात पता चल जाएगी कि कौन सी चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कौन सी ऐसी ऐसी चीजें कि जिसके अंदर आप जो है वो घर में रह के अपने जो है वो एब्डोमिनल पेन को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि सबसे ज्यादा कॉमन जो हमने देखा है जो दर्द होता है वो मेदे का दर्द यूजुअली होता है, जो कि एपिगैस्ट्रियम के अंदर होता है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में होता है, सेंटर में एब्डोमिन के, पेट के। तो ये मुझे बताइए कि उसके अंदर जो जिनको पेन ऐसा होता है उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त, जो स्टमक जहां आप देख रहे हैं इस वक्त जो तस्वीर में जो जी देख रहे हैं, इसमें स्टमक का जो हिस्सा है जिसमें जो ये पूरा मैदा है जो कि एक ट्यूबुलर शेप में, तो इस सिलसिले में अगर यहाँ दर्द इंसान को होता है, हमारे नाजरीन में से जो देख रहे हैं उनको है मौजूद, तो उसमें क्या करना चाहिए, कब कब उनको जो है वो क्या दवाइयां लेनी चाहिए, कब उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और कब ये चीज जो है वो ज्यादा सीरियस हो सकती है। अच्छा, मेदे का जैसे आपने कहा कि मेदे का जो या स्टमक जैसे एनाटॉमिकल टर्म में कहते हैं, मेदे का जो कॉमनेस्ट दर्द है वही अगेन उम्र के हिसाब से, अगर छोटे बच्चे में है तो हो सकता है कोई भी वजह नहीं हो, जैसे वायरल गैस्ट्राइटिस हम जैसे कहते हैं वायरस का है, और वायरल गैस्ट्राइटिस वैसे भी कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है जिसमें वायरस जो होता है वो कॉज करता है इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन जो है जो मेदे की लाइनिंग की वो स्टप कर देता है। दूसरा कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो जो हम लोग कहते हैं कि जो जब आप थोड़े से बड़े हो गए तो वो आमतौर पे एसिड का प्रॉब्लम होता है या जिसे कहते हैं स्टमक अल्सर का प्रॉब्लम है। तो अब स्टमक अल्सर की वजूहत हो सकती है कि जी वो अल्सर प्रॉपर बन चुका है बगैर किसी वजह के, या स्टमक अल्सर बन गया वो एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कॉमनेस्ट कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि करता है कॉज, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर तीसरी चीज ये है कि अगेन जो हमने कहा स्टमक के अंदर हो सकता है कि अगर आपको इसकी तकलीफ हो रही है कि आपको खाना पीना नीचे हजम नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप खाते हैं तो खाना अटक जाता है, तो सीरियस भी हो सकता है जिसे हम रेड फ्लैग कहते हैं कि वो डिस्फेजिया हो रहा है कि उसको उसके साथ वजन गिरने के साथ अगर ये शुरू हो गया तो ये फिर कैंसर की अलामत भी हो सकती है स्टमक की। तो डिपेंड करता है कि क्या है, लेकिन कॉमनेस्ट जो जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है दो होते हैं, वायरल गैस्ट्राइटिस है या फिर वो अल्सर की तकलीफ जो है, वो दो चीजें जो कॉमनेस्ट मिलती हैं आपको स्टमक की। ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा सर्जिकल कॉजेज के ऊपर हम बातचीत कर लें कि सर्जिकल कॉजेज के अंदर जो है वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर थोड़ा सा, अगर आप अपेंडिसाइटिस के बारे में बता दीजिए कि अपेंडिक्स जो है, क्योंकि बच्चों के अंदर भी काफी कॉमन चीज है कि हर एज के अंदर अपेंडिक्स जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है, तो क्या अपेंडिक्स की क्या साइंस है कि कौन कौन सी चीजें जिसमें आप कह सकते हैं कि जी मुझे एक या किसी को जो है वो अपेंडिक्स की अलामत जो है वो जाहिर हो गई। सॉरी आमिर, मेरे आपकी मेरे मैंने आपको बताया नेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका सवाल कट गया था, जरा दोबारा बताइएगा। मैंने 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 अर्ज की थी कि अगर आप अपेंडिसाइटिस के बारे में अगर आप बता दिए कि अपेंडिसाइटिस की क्या क्या अलामत होती हैं और क्या ठीक क्या है चीजें जो हैं जिसके अंदर हमारे नाजरीन को देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में किसी को अपेंडिसाइटिस की शिकायत हो गई है। ठीक है। अच्छा, सीधे हाथ पे अगर आप नीचे देखिए अपने पेट के नीचे के साइड पे, अगर अचानक दर्द शुरू होता है और किसी तरह से भी उसको आराम नहीं आता है, खाना पीना बिल्कुल दिल नहीं चाहता है और पेट का दर्द किसी का आराम नहीं आता है, वो आमतौर पे कहते हैं जिसे आपने पहले भी कहा था कि बार बार मरोड़ उठते हैं या कॉलिक की टाइप का पेन शुरू हो जाता है, तो आपको और आप अपना उंगली भी नहीं लगा कर सकते हैं पेट पे, जैसे ही आप टच करते हैं तो वो शदीद किस्म का दर्द होता है, तो वो आमतौर पे अपेंडिक्स है। कॉमनेस एज जो होती है
ये जो होता है वो अर्ली एज होता है, ये बच्चों में या यंग एज जो होती है 20-30 साल के अंदर अंदर होता है। इसकी ये वजह, इसकी ये मतलब नहीं है कि उसके बाद अपेंडिक्स का दर्द नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उसके बाद अगर दर्द होता है तो फिर हमें उसको जरूर देखना होता है कि और कोई सीरियस वजह नहीं है, कि उसमें खुदा ना खास्ता कैंसर की अलामत तो नहीं आई है कि अचानक दर्द शुरू हुआ है तो। लेकिन ये कि अपेंडिक्स का दर्द आमतौर पर यंग एज में बच्चों में अचानक दर्द होगा, खाना पीना बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा, उसको मतली सी महसूस होगी और वो दर्द जो है वो कल भी उसको चैन नहीं आएगा। ठीक है ठीक है, असल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी लाइन में जो है वो है, वो आपने बता दिया था पहले कि वो प्रॉब्लम है, मगर ये कि जनाब नाजरीन आप प्रोग्राम जिस पर देख रहे हैं वो हेल्थ टॉक दे रहे हैं। हेल्थ टॉक के अंदर जो डॉक्टर साहब ने अपेंडिसाइटिस के बारे में बताया है कि अगर आपको किसी भी किस्म का शदीद दर्द सीधे हाथ की तरफ अपने पेट में नीचे की तरफ अगर हो रहा है और वो सिर्फ एक या दो दिन हुए आपको आपको हुआ है और बहुत ही शदीद दर्द है, उसमें आपको उल्टियां भी हो सकती हैं, टेम्परेचर यानी कि बुखार भी हो सकता है, और जब आप अपने पेट को अगर आप हल्का सा दबाएंगे नाफ और आपके जो पेट की जो कॉर्नर है उसके बीच में जिसको हम कहते हैं मैक बर्नीज पॉइंट, तो अगर आप उसको दबा रहे हैं और उसमें आपको शदीद दर्द हो रहा है यानी कि आपको हाथ भी नहीं रखने जा रहा है, इसमें कभी कभार आप आजकल तो हम नहीं करते मगर रिबाउंड टेंडनेस भी हम इसको कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां सोजिश है, अपेंडिक्स को जो है वो सोजिश हो सकती है और अपेंडिक्स के अंदर ये एक मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये फट जाता है, क्योंकि सोजी अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो फट सकता है। तो अगर आपको इतना शदीद दर्द है और अगर आप एक दिन में उसमें आराम नहीं आया है, आपने लाजमी या तो डॉक्टर साहब को दिखाना है या फिर हॉस्पिटल जाना है ताकि वो उसको चेक करें, हो सकता है स्कैन आजकल करके बता सकते हैं कि जी अगर आपको अपेंडिक्स है या नहीं है। बच्चों के अंदर खासतौर पर जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों में शदीद दर्द है और वो रो रहे हैं और वो जो है वो किसी कल उनको चैन नहीं आ रहा और दर्द में आपने दवाई दे भी दी उनको, कैल्पोल पैरासिटामोल आइबुप्रोफेन आपने दे दिए और उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनको आपने हॉस्पिटल लेके जाना है ताकि चेक कराएं कि ऐसा तो नहीं कि उनको खुदा ना खास्ता अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि कौन कौन सी टेस्ट जो है वो किए जा सकते हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा ब्लड टेस्ट के बारे में बात बताइए और हमें ये बताइए कि और कौन कौन से टेस्ट हैं जो एब्डोमिनल पेन के अंदर पेट के दर्द में डॉक्टर साहब जो है वो करा सकते हैं। अच्छा देखिए जो कॉमनेस्ट जो ब्लड टेस्ट आपने जैसे कहा तो एक जो वाइड हम उसमें देते हैं कि हम पहले तो देख लेते हैं ब्लड काउंट कि उसमें देखते हैं खासतौर पर सफेद खलिये देखते हैं कि अगर कोई एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो सफेद खलिये तो नहीं बढ़े हैं जो सोजिश के अलामत के तौर पर देखे जाते हैं, या खून तो नहीं खत्म हो रहा है तो एनीमिया चेक करते हैं कि उसके रेड ब्लड सेल या जिसे कहते हैं सुर्ख खलियात कम तो नहीं शुरू हो गए, तो वो भी अलामत होती हैं कि हो सकता है आपका कहीं से ब्लीडिंग हो रही है इनसाइड। फिर दूसरा देखते हैं, फिर हम जो जनरली हम देख लेते हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट चेक कर लेते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं, और एक और खास जो पेट के दर्द के लिए हम लोग करते हैं अमिलेज का कहते हैं सीरम अमिलेज, ये ब्लड टेस्ट देखते हैं, ये गुड इंडिकेटर होता है, ये कोई डेफिनेट डायग्नोसिस नहीं है लेकिन ये इंडिकेट कर देता है कि कोई पेट के दर्द की अलामत किसी सीरियस वजह से है कि उसमें या तो सोजिश हो रही है या कोई भी मसल, ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। ठीक, इसके अलावा और जैसे आपने कहा कि स्कैन भी किया जा सकता है, एक्सरे भी कर सकते हैं, अगर आप किडनी स्टोन का सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप एक्सरे भी कर सकते हैं, फिर सीटी है मोर स्पेशलाइज्ड टेस्ट जो हॉस्पिटल में आप लोग कर लेते हैं, सीटी है, एमआरआई है, मुख्तलिफ टेस्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड वगैरह इसके अंदर भी आप जी अल्ट्रासाउंड कोई जैसे स्कैन का आप बता सकते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के अंदर आप क्या-क्या चीजें बता सकते हैं आप? अच्छा अल्ट्रासाउंड क्योंकि ऑब्वियसली वेरी यूजफुल टेस्ट है, नॉन इनवेसिव जिसे कहते हैं कि उसमें बिल्कुल भी रेडिएशन नहीं होती है, तो काफी सिंपल टेस्ट है, जेली लगा के हम इसे आमतौर पर पेशेंट को कहते हैं जेली स्कैन, उसमें कोई डेफिनेट डायग्नोसिस तो नहीं बना देता है लेकिन वो बता देता है कि कहीं किसी जगह पे जैसे आपने अपेंडिक्स का टेस्ट किया तो उसमें आपको पानी नजर आ जाएगा वहां पे या सूजन नजर आ जाएगी, तो वो आपको डायग्नोसिस की इंडिकेशन दे देता है कि पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकती है, स्टोन भी पकड़ सकता है कि किडनी स्टोन है, ब्लड स्टोन है, लेकिन अब आजकल वो कहते हैं कि मोर स्पेशलाइज्ड टेस्ट पे बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि सीटी स्कैन कर लें या ज्यादा मोर स्पेसिफिक टेस्ट आ गए हैं, लेकिन ये कि बहुत ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट जब हम काम किया करते थे तो ये अल्ट्रासाउंड बहुत क्विक टेस्ट होता है, बगैर किसी रेडिएशन किए हुए हम कर लेते हैं, उसमें पता चल जाती है वजूहत।
ठीक है। तो नाज़रीन प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस पर अजय सालत के पेज पे और रशिया मल्टीमीडिया के पेज पर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं हेल्थ टॉक। और हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो माशाल्लाह आपके आ रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहे हैं। और अभी एक साहब ने और पाइल्स के बारे में बात की है, मगर बहरहाल इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे इंशाल्लाह। मगर ये है कि ये जो अल्ट्रासाउंड का जो स्कैन है और ये जो ब्लड टेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर अगर मुस्तकिल अगर आपको पेट में दर्द रहता है या कोई ऐसी शिकायत रहती है कि जिसमें आपको मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वो ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग का मतलब ये कि ऐसा पेट फूला फूला रहता है, या लोग कहते हैं जनाब कि हमारा जो है पेट जो है वो ऐसा लगता है ज़रा सा खा लो तो ऐसा लगता है कि जैसे गैस हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वैसे तो कोई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप पहले तो अपनी गिजा को बेहतर करना होता है, इसमें ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं थोड़ी देर में। मगर आपको कभी कभी ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत होती है, आपको स्कैन की भी जरूरत पड़ जाती है कि तो आप उसको बहुत ज्यादा डिले करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचें कि जी अब ये बेहतर हो जाएगा। मैंने मुख्तलिफ जो टोटके होते हैं वो भी घर में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, मगर कोशिश ये किया करें कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ब्लड टेस्ट तो कम से कम जरूर करवा लीजिए, ताकि ब्लड टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब ने कहा एमिलेज है, किडनी फंक्शन है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, यानी ब्लड टेस्ट जो है बहुत सारी चीजें हमें बता देता है कि और अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसकी निशानदेही करा देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है या अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो जाहिर बात है डॉक्टर ज्यादा बेहतर जानते हैं, मगर ये कि उसमें कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जो हमें बता देते हैं, इशारा कर देते हैं कि इस आदमी को कोई प्रॉब्लम है। अगर सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आपने ये कर दिया, आपने अल्ट्रासाउंड स्कैन कर लिया, हो गया काम। मगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है तो आपके आपकी ब्लड काउंट के अंदर नजर आ जाएगा। अगर आपको कोई पित्ते का प्रॉब्लम है, अगर अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन कहीं हो रही है वो हमें पता चल जाएगा। अगर आपके पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है वो हमें पता चल सकती है। अगर अगर यूरिन के अंदर कोई प्रॉब्लम है वो पता चल सकता है। मतलब सिर्फ एक सिंपल ब्लड टेस्ट है आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। और बाकी चीज ये है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन के अंदर जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पथरियां जो है, पित्ते की पथरी है, गुर्दे की पथरी है, यूरेटर के अंदर अगर पथरी है वो हमें पता चल जाती है, कोई सोजिश है मिसाल के तौर पर पेनकेटाइटिस है वो हमें पता चल जाता है, लिवर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, इनलार्जमेंट है वो हमें पता चल जाता है। उसके बाद जो बाउल्स के अंदर जो हम कहते हैं कि अगर जो आपकी आंतों के अंदर अगर कोई सोजिश है तो वो हमें पता चल जाता है। तो एक छोटा सा टेस्ट है, होता 5 मिनट का टेस्ट है, मगर उससे हमें काफी ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर कोई ऐसी चीज इस तरह की होती है तो आप जरूर जो है वो अपने डॉक्टर साहब से रुजू करके और अपना कम से कम ब्लड टेस्ट जो है वो जरूर कराया जाए। डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा कॉमन चीज है कि वो है कॉन्स्टिपेशन जी, तो अगर थोड़ा सा इसके ऊपर आप गुफ्तगू फरमा दीजिए कि कॉन्स्टिपेशन के किस तरीके से रिलीव करी जा सकती है, क्या क्या आपको खाने पीने के अंदर क्या एहतियात करनी चाहिए, इसके अलावा अगर आप ये भी बता दीजिए कि कॉन्स्टिपेशन कब जो है ऐसी हो जाए कि आपको लाजमी डॉक्टर साहब से जाके मिलना। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का जो जिसे आमतौर पर उर्दू में कब्ज कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा, 99% कब्ज का प्रॉब्लम जो होता है वो डाइट रिलेटेड होता है कि लैक ऑफ फाइबर्स, जो गजा में जो फाइबर्स हैं वो कम होते हैं। फाइबर्स क्या हैं? फाइबर्स ये नहीं कि कोई आपने स्पेशल फाइबर खा लिए, सब्जियां हैं, दालें हैं, ये सारी कॉमनेस्ट फाइबर की चीज़ें हैं। फिर पानी कम पीना, जो बहुत हमारे खासतौर पर यूरोप में, जो अमेरिका में लोग रहते हैं वो पानी बहुत कम पीते हैं जी। पानी के कम होने की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि आपको कब्ज शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कब्ज ये डेफिनेशन क्या है? कब्ज ये कि कुछ लोगों को रोजाना टॉयलेट आए वो भी, और सब मुश्किल से आए तो वो भी कहते हैं कब्ज की तकलीफ है। लेकिन कुछ लोगों को ये कि हफ्ते में एक दफा है, कोई तकलीफ के बगैर आता है, नॉर्मल होता है, तो वो कब्ज नहीं है। ये अप टू 2 वीक्स के अंदर एक दफा भी अगर हो जाए और नॉर्मल है, आप शुरू से बचपन से इसी तरह हैं तो वो नॉर्मल है, तो ये वेरी होता है। लेकिन कब्ज की जो नॉर्मल वजूहत हैं वो तो यही कि डाइट का होना, और फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं फिर ये होता है कि कहीं खुदा न खास्ता आपके बाउल के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, रुकावट तो नहीं आ रही है, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है, कि उसकी वजह से अब ऑब्स्ट्रक्शन कोई बाजुका अचानक कब्ज किसी को हुआ तो वो बॉल ट्विस्ट तो नहीं हो, जिसे कहते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गई,
या अगर आपको पहले बिल्कुल सही चलता था, अब ये कि कुछ अरसे से 5-6 हफ्ते से आप देख रहे हैं कि वो कब्ज हो जाता है, बहुत मुश्किल से आता है, तो ये वही जैसे हमने पहले कहा कि वजन घटना शुरू हो गया है, खून आना शुरू हो गया है, तो ये रेड फ्लैग्स होते हैं जिससे हम कहते हैं कि खासा किसी को कैंसर तो नहीं हो गया है, कैंसर तो ये मुख्तलिफ वजूहत होती हैं कब्ज की। सबसे लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डाइट का ख्याल रखें। ठीक ठीक है। तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है जनाब, और हम बात कर रहे हैं इस पर, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी हमने बात कर ली, इसके अलावा हमने गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक इसके ऊपर बात की। अब इंशाल्लाह ताला हम इस बात करेंगे, अभी थोड़े से गॉल स्टोन के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि गॉल स्टोन में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो पेशेंट्स देखते हैं, आए दिन हम देखते रहते हैं। और उसके बाद एक और बात जो है जो कि एबडोमिनल पेन से रिलेटेड है, और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब उसके ऊपर भी बातचीत करें कि हार्ट का दर्द भी जो है रेफर पेन आपको जो है वो पेट में हो सकता है, तो ये मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब से। मगर ये इस वक्त जो बात बता रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर जो बात की डॉक्टर साहब ने, माशाल्लाह बड़ा अच्छा, मैं इसके अंदर थोड़ा सा उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ये जरूर बता दूं कि अगर आपको कब्ज जो है वो दाइमी कब्ज है, यानी कि बहुत अरसे से चल रहा है कब्ज आपका, तो वो भी आप एक मरतबा चेक करा लें, ताकि ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें आदमी आदमी समझता है कि नहीं जी कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं जो हूँ वो मुझे जो है वो कॉन्स्टिपेशन तो वो रहती ही है, मगर ये है कि इसके अंदर आप एक मरतबा चेक जरूर करवा लिया करें, क्योंकि वजह है कि अगर आपको मुसलसल है और आप हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है और आपके साथ जो है वो प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी एक मरतबा चेक करना जरूरी है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल, जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है जनाब। क्यों? वजह ये कि जब स्टूल इंटेस्टाइन के अंदर मूव करता है तो जो इंटेस्टाइन है वो वाटर जो है वो सब कर लेता है स्टूल से, और बाय द टाइम इट रीचेज एट द एंड वो प्रॉब्लम जो होती है ये होती है कि वो फिर क्योंकि हार्ड हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन जो है खासतौर पर बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, कि बच्चों के अंदर जो है वो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा, जबकि आप जो दूध देते हैं बच्चों के अंदर वो उसके अंदर पानी मौजूद होता है और वो काफी होता है हाइड्रेशन के लिए, मगर कभी कभी आपको एक्स्ट्रा फ्लूइड इनटेक उनकी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के अंदर। इसी वजह से हम ये करते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को अगर डायरिया हो रहा है और वो दूध पीता वाला बच्चा है और उसको डायरिया है, तो हम ये करते हैं उसमें कि अगर उसको वो पाउडर, अगर वो ब्रेस्ट मिल्क में नहीं है पाउडर मिल्क में है, तो हम उसका जो जो डाइल्यूशन है उसको हम चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक औंस में एक पानी, क्या एक औंस में एक चमचा, तो हम उसको दो औंस के अंदर एक चमचा हम मिल्क कर देते हैं, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा मिले। तो ये सब सारी चीजें जो है वो आपने आपने जरूर, खासतौर बच्चों के अंदर आपको काफी ये प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब कॉन्स्टिपेशन इससे भी बेहतर नहीं होती है, अगर आप जो है वो दवाइयाँ आपको दवाइयाँ देने की जरूरत पड़ती है क्योंकि फ्लूड से काम नहीं बन रहा, तो बहुत ही इनोसेंट दवाइयाँ होती हैं जैसे लैक्टुलोज होता है बच्चों के अंदर दी जा सकती है, क्योंकि लैक्सेटिव वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं करता और वो राइट जो है वो जो स्टूल है उसको सिर्फ एक तरीके से उसको मॉइस्चराइज कर देता है, और इस तरीके से वो कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाती है। तो बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन जो है वो काफी कॉमन चीज है, कि बच्चों के अंदर उल्टियां भी काफी कॉमन चीज है, मगर अगर बच्चे जो हैं वैसे खेल कूद रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर खा पी रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसके ऊपर नजर रखिए, कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा उनको रफिश दीजिए, ज्यादा फाइबर वाला फूड दीजिए, उनको फ्लूड इनटेक उनकी बढ़ाइए, और इस तरीके से आप उनको मजीद उनका आप बेहतर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा गॉल ब्लैडर के ऊपर पित्ता जो है वो उसके ऊपर भी जो है लोग जो है वो काफी परेशान रहते हैं, कि मुझे कोई खासतौर खवातीन के अंदर जो है ये काफी प्रॉब्लम रहती है कि पित्ते के अंदर जो है कहीं मुझे पथरी तो नहीं हो गई या मेरे दर्द जो है वो, तो क्या क्या अलामत हैं पित्ते की पथरी की और पित्ते से रिलेटेड प्रॉब्लम की? अच्छा, पित्ते का जैसे आपने इंट्रोडक्शन भी कहा कि पित्ते का दर्द आमतौर पर खवातीन में ज्यादा कॉमन होता है, और ख़ास तौर पे जो 40+ की ख़वातीन हैं या जिनको जिसे कहते हैं जिसे मेनोपॉज हो चुका है, फेयर कलर में ज़्यादा है, अंग्रेज़ों में कॉमन होगा एशियन ख़वातीन के, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा जिनमें चर्बी के मकदार ज़्यादा है जिसे कहते हैं मोटापा है, तो उसके अंदर कॉमन होता है। ये तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स या जिसे कहते हैं जिनमें ज़्यादा हो सकता है। अब उसकी अलामत क्या होती हैं कि वही जैसे हमने कहा कि जिगर के करीब जो है सीधे हाथ पे ऊपर की साइड पे आपको राइट हैंड पे अपर एब्डोमिनल पिंच हल्का हल्का होता है कि कांस्टेंट, बाज़ औक़ात बैक में चला जाता है आपको महसूस होता है, बाज़ औक़ात ये एकदम से सीवियर भी होता है कि अगर वो इन्फ्लेमेशन हो जाए इन्फेक्शन हो जाए उसके साथ,
तो बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो इतना शदीद दर्द होता है कि उसको फिर हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है कि क्योंकि बाजू का फिर तब फट भी सकता है। तो लेकिन ये पित्ते का दर्द आमतौर पे आपको राइट साइड पे, अगर ऊपर की साइड पे जिगर की साइड पे दर्द हो रहा है तो 99% जो है वो पित्ते ही दर्द होगा। और उसी तरह जैसे हमने अपेंडिक्स में कहा कि अगर आप हल्का सा चूहें उसको उस जगह पे उंगली से टिप ऑफ द फिंगर पे, तो आपको शदीद दर्द होगा, जिसे जैसे आपने उसमें मैकबर्नीज पॉइंट कहा था, इसे मर्फी साइंस कहते हैं। ऑब्वियसली हम पेशेंट से तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, पेशेंट से तो सिर्फ ये कि वो हल्का सा छू के देखें, अगर बहुत शदीद दर्द होता है तो उसका मतलब उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल को या डॉक्टर को कवर करने की जरूरत है। तो ये पित्ते के दर्द के एक जो मुख्तसर तारुफ यही कर सकते हैं। जी हाँ जनाब, मुख्तसर तारुफ कराया जनाब पित्तर के पेन के बारे में डॉक्टर साहब ने। नाज़रीन आप प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं हेल्थ टॉक, और हेल्थ टॉक के अंदर बातचीत हो रही है जनाब मुख्तलिफ बीमारियों की, और खास तौर आज हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट का दर्द, जो बच्चों में भी बड़ा कॉमन है, बड़ों में भी कॉमन है, बुजुर्गों में भी कॉमन है। और अगर आपको दर्द होता है तो उस वक्त आपको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, कौन सा दर्द जो है वो उस वक्त आपको जो है वो ज़्यादा इतना शदीद होता है कि आपको हॉस्पिटल की या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। और ये बताने के लिए कि और कौन कौन सी जो पेट के ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से दर्द हो सकता है, इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। पित्ते के बारे में बात की हमने जनाब, पित्ते का दर्द जो है वो काफ़ी शदीद होता है, और इतना शदीद होता है कि यूजुअली पेट के ऊपरी हिस्से में, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पेट के ऊपरी हिस्से के अंदर दर्द होता है राइट साइड पे, थोड़ा सा राइट के ऊपर होता है जनाब, और इतना शदीद होता है कि अगर आप उसको छुएं तो वो आपको आपसे छुआ नहीं जाता, जिसको हम कहते हैं टेंडरनेस। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आपने जो है वो इसमें और क्या क्या बातें हो सकती हैं, उल्टी, उल्टी का आना बहुत ज्यादा है, कभी कभी ये होता है कि इन्फ्लेमेशन कह देते हैं कोलेसिस्टाइटिस, क्योंकि इसका एक टाइम है मेडिकल टाइम है कोलेसिस्टाइटिस, तो वो यानी ये होता है कि जो पित्ते के अंदर अगर पथरी है या कोई और स्लज आ गया है जिसकी वजह से उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, और उसकी वजह से आपको दर्द होता है शदीद, आपको उल्टियां आती हैं, बुखार हो जाता है, और ये मजीद बेहतरी इसमें नहीं आती और ये और मजीद बढ़ता चला जाता है। तो ये एक एक इंडिकेशन है कि अगर आपका दर्द जो है वो राइट साइड पर आपके एब्डोमेन के अंदर है पेट में और वो बेहतर नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, आपको बुखार भी, आपको उल्टियां भी आ रही होंगी और आप जो है वो कुछ खा पी भी नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि हो सकता है आपको पित्ते की तकलीफ हो। तो उसके लिए भी अगेन आपने डॉक्टर साहब से अपने जो है वो चेक करना है, अगर शदीद दर्द तो हॉस्पिटल डायरेक्ट, ताकि वो एक मरतबा आपको चेक कर लें। आपका स्कैन बहुत 2 मिनट का स्कैन है, 5 मिनट का स्कैन है, वो बता देंगे जिन्हें आपको, आपको खुदा ना खास्ता आपको कोई पथरी तो नहीं है, और उसकी वजह से आपको सेकेंडरी जो है वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन गॉल ब्लैडर की नहीं हो गई है, तो ये जरूरी है। और इलाज इसका सीधा सीधा इलाज है ना, इसका सर्जिकल कॉज है, अगर अगर शदीद है तो फौरी तौर पर आपका, बहुत सारे पेशेंट जो है वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब सर्जन ने देखा और सर्जन ने कहा जी अभी हम आपका जो है वो ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो जनाब मुझे तो पथरी है और मुझे इतना शदीद दर्द था और उन्होंने मुझे जो है वो एंटीबायोटिक्स पे डाल दिया। तो जरूरी है जो बातें डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, ठीक है। तो अगर डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं और मैं प्रोग्राम के हवाले से ही आपसे बात होती रहती है हमारी, तो अगर डॉक्टर साहब अगर आपको कोई दे रहे हैं तो जरूरी नहीं, हो सकता है वो आप जो सोच रहे हो उसके बिल्कुल बरअक्स उन्होंने कोई बात की है, तो उसमें आप समझते हैं जनाब कि ये डॉक्टर साहब जो है ना वो कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये इन्होंने कोई गड़बड़ वाली बात कर रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आता, ऐसी बात नहीं है, उसकी लॉजिक है। अगर गॉल ब्लैडर का फौरी तौर पे आप ऑपरेशन करेंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, उसके रप्चर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन सोजिश इतनी ज्यादा होती है कि जब तक सोजिश को बेहतर ना करें, उसको कंट्रोल में ना लाएं, तब तक ऑपरेशन अब नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर हमारे पेशेंट होते हैं कि जिनको हम रख लेते हैं और उनको हम 3-3, 4-4, 5-5 दिन और इवन उनको घर भेज देते हैं बगैर ऑपरेशन किए हुए। तो अगर आपका ऑपरेशन जो है वो नहीं कर रहा है हॉस्पिटल, तो इसमें घबराने की बात नहीं, वो आपकी फायदे के लिए, आपके बेहतरी के लिए, क्यों, क्योंकि वजह है कि अगर आपको उसी वक्त वो ऑपरेशन करेंगे, सबसे आसान काम तो ऑपरेशन ही करना है, मगर ये कि अगर वो उस वक्त तो ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो उससे और मजीद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। तो पहले सोजिश कम करना होती है, पहले दर्द को कंट्रोल करना होता है, पहले एक मरतबा इन्फेक्शन को खत्म करना होता है, और जब ये सब चीजें हो जाती हैं उसके बाद आपको जो है वो
ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पित्त में पथरी होती है, उनका ऑपरेशन नहीं किया जाता क्योंकि वो एसिम्टोमेटिक होती है, यानी कोई का कुछ कर ही नहीं रहा, खामोशी से बैठा हुआ। अगर आप इंसान की अगर आप स्कैन अगर हर आदमी का करें तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो छोटी मोटी निकल सकती है, मगर इसका मतलब नहीं कि अगर कोई चीज निकल आई है तो आपने फौरी तौर पर उसको उसको ट्रीटमेंट के लिए जी मैंने जो है वो करना, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पर किडनी स्टोन है या यूरेटरी स्टोन है या ब्लडर स्टोन है, कि इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ लाजमी करना पड़ता है क्योंकि ये स्टोन जो है वो बढ़ते रहते हैं और वो मजीद जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने अगर कोई इसमें कोई इसमें आप बात ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का लिंक जो है वो मैं इस वजह से ज्यादा बात करने की कोशिश करूंगा, डॉक्टर साहब का जो है वो जो वाईफाई है वो अभी जो थोड़ा नहीं, प्रॉब्लम कर रहा आपने है। तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि ट्रीटमेंट अच्छा वाइज से कि जी, जी अच्छा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जब आप बात कर रहे थे तो हाँ ना, आपने एक आपने और सब बता दी, वही जो आपने जिसे कहा था कि अपेंडिक्स में वाकफात फौरन। जी, जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपने माशाल्लाह सारी इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट के ऊपर बात कर ली, अल्ट्रासाउंड, एमआर स्कैन, सीटी स्कैन सब के ऊपर बात कर ली, एक अपर जीआई एंडोस्कोपी और लोअर जीआई एंडोस्कोपी के ऊपर आपने बात जो है अगर आप थोड़ा सा और बता दीजिए कि वो उसकी इंडिकेशन कहाँ बनती है, कब हमें जरूरत पड़ती है ये कोलोनोस्कोपी की और अपर जीआई एंडोस्कोपी। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, कैमरा टेस्ट जिसे हम जो आमतौर पे जो पेशेंट को समझाने के लिए हम कहते हैं कैमरा टेस्ट कराना, कि उसमें कैमरा डाल के अंदर देखना कि अब ऊपर में अगर किसी को दर्द है, आराम नहीं आ रहा, आपने दवाएं दे दी, जी इवन यंग पेशेंट को अगर आपने 2-3 महीने तक दवा दी, आराम नहीं आया, तो अल्सर की भी हम उस पर कहते हैं अब आप कैमरा करा लीजिए। ये तो हम जी रूटीन जिसे कहते हैं कैमरा टेस्ट। या अगर 50 साल से ऊपर का बंदा मेल या फीमेल है, उसको नया उसे कहता है कि जी वो हार्ट बर्न शुरू हो गया है, तो उसको फौरन कैमरा कराने की जरूरत है। फिर हमने जैसे आपसे कहा था कि ऊपर के जो मैदे की तकलीफ में होता है, कि मैदे की तकलीफ है, आपको खाना लग रहा है कि अटक रहा है, आपका वजन गिर रहा है, तो वो हम 2 वीक के अंदर अंदर कराते हैं, जिसे कहते हैं कि रेड फ्लैग सिम्टम्स आ गए, अब हम उसको फौरन कैमरा कराना है, विद इन 2 वीक्स, जिसे हम 2 वीक्स रूल पे करते हैं। इसी तरह लोअर एंड पे जो होता है, उसमें ये है कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है या एब्डोमिनल पेन, जो हम समझ रहे हैं कि बाउल से रिलेटेड है या आंतों से रिलेटेड है, तो जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि दर्द को या कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, अगर आप समझ भी रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर मुस्तकिल रह रहा है तो बेहतर है कि उसका कैमरा करा के चेक कर लें कि कोई उसमें सीरियस वजूहत तो नहीं है, कि उसको क्यों हो रहा है दर्द और या क्यों तकलीफ चल रही है, क्यों कॉन्स्टिपेशन है, क्यों डायरिया है। रेड फ्लैग्स में फिर हमने जैसे पहले भी कहा था कि चेंज इन बाउल हैबिट, खासतौर पे 60 ईयर से ऊपर, आंतों से खून आना, क्या आप बार बार में खून आ रहा है, वजन गिर रहा है। अच्छा, वजन गिरने का जरूरी नहीं है कि आपके पास वेइंग मशीन हो, आप कपड़े देख लीजिए, अगर आपके कपड़े एकदम से ढीले होने शुरू हो गए जो पहले बिल्कुल कॉमन थे, तो आमतौर पे मैं एल्डरली पेशेंट से ही कहता हूँ कि अगर कोई बात नहीं, अगर मुश्किल नहीं, लेकिन अगर कपड़े तो नहीं ढीले हो रहे हैं, या वो कहते हैं वजन गिर रहा है, तो मैं पूछता हूँ कैसे आपको पता है, तो वो बताते हैं कि जी मेरा ट्राउजर मैं पहले 32 इंच का पहनता था, वो बिल्कुल ढीला हो गया, मुझे बेल्ट बांधनी पड़ती है, तो ये भी एक अलामत है कि जी वो वजन गिर रहा है। तो उसमें हमने फिर वही जैसे मैंने कहा लोअर एंड पे हम फॉरन 2 वीक्स कोलोनोस्कोपी या कैमरा नीचे से डालने के लिए वो फॉरन 2 वीक्स रूल पे कराते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त हेल्थ टॉक, और हेल्थ टॉक आप देख रहे हैं जनाब अजय रिसालत के पेज पर और मल्टीमीडिया शिया मल्टीमीडिया के पेज पर। आप ये प्रोग्राम जो है वो हर हफ्ते संडे वाले दिन आप देखते हैं, शाम 4 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है और हम मुख्तलिफ टॉपिक पर आपसे बातचीत करते हैं कि जिससे आपको घर बैठे जो है वो फायदा हो। अजय रिसालत आपको एक हम जैसे माशाल्लाह और दूसरे प्रोग्राम भी आप देखते हैं मुसलसल करते रहते हैंगे, और ये वाला जो हमारा प्रोग्राम होता है ये स्पेशली हम अपने उन लोगों के लिए करते हैं जो कि खास तौर पे घर पे बैठे हुए हैं, जिनकी डॉक्टर का एक्सेस मुश्किल है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो जरूरी नहीं है कि हम यूरोप या अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और जहाँ जहाँ हमारा पूरी दुनिया में हमारे लाखों नाज़रीन जो है हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो उन सब के लिए एक जनरल एडवाइस हमारी होती है कि आपने
किस तरीके से अपने मैनेज करना है। कभी हमने इससे पहले हाइपरटेंशन के ऊपर प्रोग्राम किया था, इससे पहले हमने कोरोना वायरस के ऊपर हमने प्रोग्राम किया, और आइंदा इंशाल्लाह ताला अगला प्रोग्राम जो होगा हमारा इंशाल्लाह और मजीद किसी और टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करेंगे। मगर इसका मतलब करना ये होता है कि आप जो है वो आपको घर बैठे जो है आपको सही एडवाइस मिले। क्यों? वजह ये कि आजकल जो है वो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो दौर है, और उसमें सोशल मीडिया में एक मैसेज अगर किसी को आ जाता है वो पूरी दुनिया को बगैर उसकी तस्दीक किए हुए जो है वो बढ़ा देता है, और इससे जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है। ऐसी बात नहीं है, सोशल मीडिया के बहुत ही अच्छे अच्छे जो है वो भी हैं, उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। और एक फायदा आपके सामने इस वक्त है कि आप इस वक्त घर बैठे जो है वो रिसालत अशिया मल्टीमीडिया के पेज पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और आपको सही सही जो इन्फॉर्मेशन है वो डॉक्टर्स आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप डॉक्टर से जरूर एडवाइस लें। ऐसे नहीं कहें कि मेरे पड़ोसन ने ये कहा था, मेरे पड़ोसी ने ये कहा था, और ये जो है वो, या फलाना आदमी जो है वो उसको भी यही प्रॉब्लम, वो ये करता है तो मैं भी यही करूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वजह है कि हर आदमी की जो डिजीज होती है, हर आदमी की मिसाल के तौर पर मैं हमेशा मिसाल से वाजे करता हूँ कि अगर किसी को डायबिटीज है, हो सकता है उसकी उसको भी डायबिटीज है, आपको भी डायबिटीज है, मगर वो इंसुलिन ले रहा है, आप गोलियां ले रहे हैं, या अगर इवन आप गोलियां भी ले रहे हैं तो वो मुख्तलिफ गोलियां ले रहे हैं, या अगर आप एक जो है वो डाइट कंट्रोल डायबिटिक है, तो हर एक का जो है वो प्रॉब्लम वो डिफरेंट होता है। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन या किसी से सलाह लेनी है तो आप ये लाजमी आप एक दिमाग में बात बिठा लें कि उससे सलाह लें कि जो इस बारे में बेहतर जानता है, और अगर आपने उससे सलाह ली है और वो उसने आपको अच्छे तरीके से सलाह दे दी है, तो आपका आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर अमल भी करें। क्यों? वजह यह कि सिर्फ मुख्तलिफ लोगों से मशवरे लेने का कोई फायदा नहीं है कि अगर आप उसके ऊपर जो है बाद में आप ये कहेंगे जी मैंने करना तो वही, तो ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि अगर थोड़ा सा किडनी के ऊपर अगर थोड़ी सी बात कर लें, किडनी का जो पेन जिसको हम रीनल कोलिक कहते हैं, तो उसके अंदर जो है जो दर्द और जो और उसका इलाज और उसमें क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, सॉरी, मैंने बिल्कुल मैंने रीनल कोलिक के ऊपर बात कर रहा था कि किडनी के जो दर्द होता है उसके बारे में अगर थोड़ी सी अगर आप करते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल पता ही नहीं चला और बहुत तेजी से टाइम गुजर गया, और इंशाल्लाह ताला अभी इसके बाद हम आपसे थोड़ी सी खुराक के बारे में बात करके उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम अपना वाइंड अप करेंगे, मगर ये है कि अगर थोड़ा सा किडनी के बारे में अगर बात कर लीजिए। अच्छा, किडनी का दर्द मैंने पहले भी ऐसे कहा था, किडनी में दर्द आपको पसलियों के करीब होता है, पीछे थोड़ा सा आप कहते हैं कि मेरे पेट में पीछे की साइड पे दर्द हो रहा है, और वो आमतौर पे नीचे आता है, वो आपके पेशाब की नाली की तरफ भी आ सकता है, वो यूरेट्रिक कॉलिक जिसे हम कहते हैं, तो वो बहुत ही शदीद। एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये कि ये दर्द बहुत शदीद होता है, मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये वो दर्द है जो बैठने से वर्स होता है। तो आमतौर पर किडनी पेन का जो मरीज होता है वो या तो बिल्कुल करवटें ले रहा होता है, या वो फिर चलना शुरू हो जाता है कि उसको किसी तरह से आराम नहीं आता है, पेशाब में उसको जलन होनी शुरू हो सकती है, अगर वो इन्फेक्शन रिलेटेड है तो हो सकता है उसको फिर बुखार की अलामत भी आनी शुरू हो जाए, तो ये मुख्तलिफ अलामत आती हैं, पेशाब में खून भी आ सकता है, तो जलन होनी शुरू हो जाती है पेशाब में। तो किडनी, अब यूरेट्रिक या किडनी रीनल कॉलिक जो है वो दो वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, स्टोन की वजह से भी हो सकता है। ठीक ठीक है। और डॉक्टर साहब फाइनली, अगर आप थोड़ा सा अगर आप डाइट के बारे में, खुराक के बारे में अगर हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइए कि खाने पीने में खासतौर पर रमजान मुबारक का महीना है, तो इसमें आजकल जो आपको पता है बेहतियाती भी हो रही है, दवाइयां भी नहीं ली जा रही हैं, और खाने पीने में थोड़ा वो प्रॉब्लम भी हो रही है, तो आप थोड़ा सा एडवाइस कीजिए कि जनाब क्या खुराक होनी चाहिए। और हाँ, मैं एक बात, हमारे एक नाजर ने जो है सवाल किया था पाइल्स के बारे में, तो इसका मैं बहुत ही सीधा सा आपको बता देता हूँ कि पाइल्स जो है वो ब्लीडिंग है, स्टूल के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम पाइल्स कहते हैं। अब मसला ये होता है कि जो उसकी वेन्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं हेमरॉइडल वेन्स होती हैं, वो जो है जैसे हमारी वेरिकोज वेन्स होती हैं इसी तरीके से वो बढ़ जाती हैं, और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। इसका इसमें इसका इलाज सिंपल ये है कि एक तो फाइबर अपना अपना जो है इस बोल की भूसी जिसमें कहते हैं फाइबर अपने खुराक में वो बेहतर करें, दूसरी बात पानी का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, तीसरी चीज ये कि अगर मोटापा है तो मोटापे को आप कम कीजिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद एक दवाई होती है जो आप दवाई जो है वो क्रीम की सूरत में आप लगा सकते हैं, और अगर उसके बाद भी आपको फायदा नहीं हो रहा तो डॉक्टर साहब से बात करें, और वो उसमें या तो इंजेक्शन लगा सकते हैं या फिर हैंड हेमराडेक्टमी कह सकते हैं, और तीसरी चीज है उसके अंदर बेंडिंग भी की जा सकती है। तो ये मैं आपको
बहुत ही कम वक्त में मैंने आपका, उम्मीद है कि आपको इसके बारे में इसकी प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है वो मिल गई होगी। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी खुराक के बारे में अगर आप थोड़ी बातचीत कर दीजिए। अच्छा, खुराक ऑब्वियसली रमजान हो या ना हो, खास तौर पर रमजान में तो जैसे आपने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा फाइबर कंटेंट हो, डीप फ्राइड चीजों जी को हम अवॉइड करें जिस हद तक है। अगर खानी है आपने तो थोड़ा मामूली खाइए। तीसरी चीज ये कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो। आपको जैसे दूध पीना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस खास तौर पर रमजान के अंदर आप अपने दूध है, दही है, कैल्शियम कंटेंट को बढ़ाइए। फिर कोई भी ऐसी चीज जो विटामिन डी को बढ़ा सकती है उसको कीजिए। जनरली आमतौर पे हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट रखें, कि ज्यादा चिकनी चिकनी अद्वियात ना लें, फाइबर ज्यादा हो, खास तौर पर रमजान के अंदर ऐसे जैसे फिलिंग है, जैसे पोरेज टाइप की चीजें जो अगर आप सही में कर लें तो वो देर तक फिलिंग रहेगा। पानी का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। तो मुख्तसर यही है, बाकी तो बहुत ही वाइड टॉपिक है कि क्या न्यूट्रिशन होनी चाहिए, किस चीज में डाइट में क्या होना चाहिए। बहुत लेकिन शुक्रिया जन जनाब, बहुत शुक्रिया नाजरीन। हमारे साथ जनाब डॉक्टर हसन सादिक साहब, डॉक्टर हसन सादिक आबदी साहब जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ये प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेशन और इसमें थोड़ी सी भी अगर आपकी जो है वो अवेयरनेस बढ़ जाती है वो हमारे लिए काफी है, क्योंकि ये एक सदका जारिया है कि हम आपको बताएं, आप अपने जो जो आस पड़ोस अपने अपने फैमिली को उनको बताएं ताकि वो इस तरीके से जो है वो ये काम सिलसिला चलता रहे। अच्छी बातें जो है वो ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होनी चाहिए ताकि आप दूसरों को भी एडवाइस कर सकें। जी भी डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देखा था, उन्होंने जो है वो ये बात कही है, तो इसको इस तरह से करना चाहिए। खाने पीने का जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना स्पेशली आजकल जो है वो अपने जो खुराक है उसको आप बेहतर करें। क्यों? वजह उसकी है कि अगर आप नहीं करेंगे वो 1 महीने की जो आपका खाना पीना है, जो जो डीप फ्राइड फूड है और ये सारी चीजें जितनी हैं, अगर आप इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे तो 1 महीने का जो मसला है वो आपको 3 महीने में उसको उसको हल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका वजन और आपकी खुराक जो है वो सही नहीं होगी, अगर आप ज्यादा डीप फ्राइड फूड खाएंगे, अगर आप ज्यादा अपना ख्याल नहीं रखेंगे, वजन बढ़ा लेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। यूजुअली बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना, मगर रमजान का मतलब यही है कि अपने नफ्स पे कंट्रोल हो। तो नफ्स पे कंट्रोल का मतलब ये, उसमें ये भी आता है कि आप अपने खाना पीना ये देखें कि आप क्या चीज खा रहे हैं और क्या चीज आपको खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी। बल्कि आपने और भी, अगर घर में अगर कोई ऐसे ऐसे लोग हैं, उसका कोशिश करें कि आप ज्यादातर इफ्तारी के अंदर ज्यादातर ये जो डीप फ्राइड फूड है उसके उससे आप परहेज करें। खासतौर पर वो लोग जो कि जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, यानी वजन की प्रॉब्लम है, तो वो भी ज्यादा जरूरी है कि अपनी खुराक का खासतौर पर वो आपको कहते ही हुई है कि मैं तो एक समोसा खा लेता हूँ, मगर ये एक समोसा जो है वो अगर आप ऐड अप करते रहें तो एक एक समोसा जो है वो 30 समोसे बन जाते हैं, और फिर पकौड़े भी इसी तरीके से 30 पकौड़े बन जाते हैं। तो आप मुझे सोचें कि इससे कोलेस्ट्रॉल आपका कितना जाएगा, और वो और ऑब्वियसली क्योंकि दवाइयां आप इतनी ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो और खास तौर पे लोग जो है वो दवाइयां कम कर देते हैं, ये यूजुअली एक, एक एक बात है जो कि नहीं करना चाहिए, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है आने वाले वक्त में। तो उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा जनाब। एब्डोमिनल पेन के ऊपर यानी पेट के दर्द के ऊपर आज हमने बातचीत की है, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है उसके अंदर, क्योंकि ऑर्गन इतने ज्यादा है कि अगर हम बातचीत करें तो इसके ऊपर 3-4 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है। हर एक टॉपिक के ऊपर एक प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी सिर्फ अगर स्टमक पेन है, अल्सर है, इसके ऊपर प्रोग्राम हो सकता है, कोलेसिस्टाइटिस यानी गॉल ब्लैडर का पेन है, किडनी का पेन है, आंतों की सोजिश है, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, अपेंडिसाइटिस के ऊपर बातचीत हो चुकी है हो सकती है। तो हमारी कोशिश ये थी कि रमजान के महीने में आपको पेट के दर्द के बारे में आपको जो है वो बताएं कि इसकी अवेयरनेस आपकी बढ़ाएं। इस तरीके से इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको फिर एक नए प्रोग्राम में आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। डॉक्टर हसन सादिक आबदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। और आपका। नाजीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जो है इस प्रोग्राम में रहे। इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में अगले वीक फिर हाजिर होंगे एक नया टॉपिक लेके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने आस पड़ोस का ख्याल भी रखिएगा।